नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से। अमरनाथ यात्रा, 4,400 से अधिक श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था जम्मू शिविर से कश्मीर रवाना। वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए 4,400 से अधिक तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था यहां के भगवती नगर आधार शिविर से शनिवार को रवाना हुआ। अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री सुबह 188 वाहनों में आधार शिविर से रवाना हुआ और इसके साथ ही जम्मू आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना होने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 7,904 होगी। उन्होंने कहा कि 2,733 श्रद्धालु 94 वाहनों में सुबह 4:50 पर पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 1,683 तीर्थयात्री 92 वाहनों में लगभग 1 घंटे पहले बाटाल आधार शिविर के लिए रवाना हुए। मंगेतर परिणीति चोपड़ा संघ श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए सांसद राघव चड्ढा। दोनों की सादगी ने जीता फैंस का दिल। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा दोनों जल्द ही शादी के पवित्र रिश्ते में बनने वाले, ऐसे में अपनी मंगेतर परिणीति चोपड़ा के साथ शनिवार को अमृतसर पहुंचे और श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हुए। इस दौरान परिणीति ने आइवरी रंग का सूट पहना था, वहीं राघव चड्ढा ने कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट पहना था। इससे पहले दोनों शुक्रवार रात अमृतसर हवाई अड्डे पर एक साथ दिखाई दिए। नागपुर से पुणे जा रही बस डिवाइडर से टकराई, पलटी, आग की लपटों में घेर 25 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में शनिवार रात भीषण हादसा हो गया। यहां बुलडागा में नागपुर से पुणे जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक बस जब समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे पर बुलडा ना के पास थी, तभी बस पलट गई और इसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। बुलडाना पुलिस के डिप्टी एसपी बाबूराव महामुनि के मुताबिक बस में 33 लोग सवार थे, जिनमें से 25 लोगों की जलकर मौत हो गई। वहीं जो अन्य लोग हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर बुलडाना जिले कलेक्ट्रेट ने कहा कि शवों की डीएनए जांच की जाएगी, जिसके बाद सभी शवों को परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू के पिता का निधन, 57 साल की उम्र में मोहाली में ली अंतिम सांस। मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज कौर संधू के पिता प्रीतम सिंह संधू 57 साल की उम्र में शुक्रवार को सुबह हृदय गति रुक जाने से उनका देहांत हो गया। जानकारी के लिए बता दें कि वो एक सोसाइटी के फ्लैट में रहते थे। गुरुवार की रात सोने के बाद वे सुबह नहीं उठे। सुबह उनकी पत्नी ने जब उन्हें बिस्तर पर बेसुध पाया तो उन्हें पड़ोसियों को बुलाया गया और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का खतरा, WCCB ने जारी किया रेड अलर्ट। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बाघों के शिकार का मामला सामने आने के बाद केंद्रीय एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विग वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी कि WCCB ने उत्तराखंड समेत देश भर में स्थित टाइगर रिजर्व को इस संबंध में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि WCCB को बाघों के शिकार से संबंधित कुछ इनपुट मिले हैं, जिसके आधार पर ये अलर्ट जारी किया गया है। देश प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर पाने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल सिटी वेब।